नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोहित। आधे से ज्यादा भारत कुदरत की मार झेल रहा है, लेकिन अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक जापान में भी कुदरत के कहर की खबरें सामने आ रही हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, हवाओं का रफ्तार इतनी तेज है कि समुद्र में तेज हलचल होनी शुरू हो गई है। खबरों की माने तो इन हवाओं की रफ्तार 216 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इन हवाओं का अंदाजा आप पेड़ों से लगा सकते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से खाड़ी में खड़े एक जहाज पर तेज हवाओं ने ऐसी चोट मारी कि यह जहाज खाड़ी पर बने पुल से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज और पुल दोनों का काफी नुकसान हुआ है। इन तस्वीर को देखते हुए आप इन हवाओं की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती इन हवाओं ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि कहीं बिजली के खंभे गिर रहे हैं, तो कहीं गाड़ियां हवाओं की चपेट से पलट रही हैं, तो कहीं पर मकान की छत इन तेज हवाओं से उड़ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जापान प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता है। जापान में हर रोज औसतन 5 छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये देश अपनी तकनीक के जरिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है।